आइए आज हमारे पास यहाँ पर 12 मार्डर बोर्ड है, आप देख रहे हैं इस मार्डर बोर्ड का ये कनेक्शन कैसे किया गया है और इस वायर में हम कैसे पहचाने कौन फेज वायर है, कौन सा न्यूट्रल वायर है, कौन हमारा इन्वर्टर का वायर है। इस प्रकार से आइए हम आपको एक तरीका बताते हैं इसको पकड़ने का। यहाँ देखिए ये बोर्ड का कनेक्शन हुआ है, हम आपको बता देते हैं। देखिए हमारे बाएं बगल इस स्विच सॉकेट के बाएं बगल हमारा न्यूट्रल सप्लाई होता है, तो आइए हम इसमें देख लेते हैं। देखिए ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई है, आप ध्यान से देख लीजिए ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई है और यहां से ही न्यूट्रल हमारे इस एलईडी में चला आया है, ये भी आप देख रहे हैं। अब हमारे पास फेज का पता करना हो, देखिए फेज का पता करने के लिए यहां हम आपको हटा के इसको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये रेड वायर जो है हमारा फेज का है, देखिए तीनों स्विच में हमारे गया है, ये फेज हमारे तीनों स्विच में गया है और जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा संबंधित पॉइंट वर्क करेगा, ये आप समझ गए होंगे। अब यहां हम आइए ऊपर की तरफ कुछ देख लेते हैं। यहां देखिए ये भी हमारे फेज सप्लाई ही है, देखिए ये आपकी ये इन्वर्टर का वायर है, देख लीजिए ध्यान से ये इन्वर्टर का वायर है और इन्वर्टर का वायर जो है हमारे यहां पर इस स्विच में आया है, देख लीजिए और स्विच से देखिए स्विच से यहां से सप्लाई देखिए ये ऑन करेंगे तो हमारा ये सॉकेट इन्वर्टर से चलेगा, ये आप जान लीजिए और यहां से ही ऐसे 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 आपका यहां पर आया है, देखिए यहां पर आ गया है यानी यहां से आपका ये भी आपका इससे ऑन होगा तो यहां इसकी सप्लाई इस रेगुलेटर में आई है और रेगुलेटर से आपकी ये दोनों सप्लाई निकल करके देखिए रेगुलेटर से ये दोनों सप्लाई निकल करके फैन में चली जाएगी। एक बात ये हम बता दें यानी इस स्विच से दोनों फैन एक साथ ऑन ऑफ और ऑफ होंगे, क्योंकि इसमें एक पॉइंट की जगह कम थी इसलिए इसमें ऐसा किया गया है, ये आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपका यहां देखिए एक ये आपका मेन इंडिकेटर यहां पर आपको फेज मिल रही है और दूसरी यहां देखिए ये आपका ये लाइट का मेन है, ये भी आपकी फेज सप्लाई ये भी है आपकी, यहां आपकी फेज काम करेगा और ये आपके इन्वर्टर काम करेंगे और ये आपका इन्वर्टर काम करेगा। इस प्रकार से कनेक्शन पूरा समझ में आ गए। इस प्रकार यहां एक बात हम बहुत ही अच्छे से मैकेनिक ने काम किया है, इसको देख लीजिए आप ध्यान से, ये न्यूट्रल सप्लाई देखिए ये मोटे वायर से 2.5 mm के वायर से यहां दौड़ाया गया है, आप देख रहे हैं और यहां से ही न्यूट्रल फिर पुनः यहां ऊपर गया है। तो इन्होंने क्या किया है इस न्यूट्रल से इस कमरे के जितने हमारे पॉइंट हैं सबके एक एक पॉइंट पर न्यूट्रल इन्होंने दे दिया है। इन्होंने ये सेपरेट किया है कि ये बार बार अगर हम न्यूट्रल वायर को काटेंगे ऊपर से कहीं डिटेक्ट करेंगे तो तार कमजोर हो जाता है, इसलिए इन्होंने न्यूट्रल का एक वायर इस पूरे कमरे में दौड़ाने के लिए यहां से ही लेके गए हैं। अगर इनको न्यूट्रल की और आवश्यकता होगी तो अपना यहां से न्यूट्रल जोड़ करके अन्य कमरे में लेके चले जाएंगे, जिससे न्यूट्रल की कटिंग नहीं होगी और आपका वायरिंग जो है काफी मजबूत होगी। धन्यवाद।